हाय स्टूडेंट, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म दैट इज ई लर्निंग विद अनु। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। और मेरी जो भी वीडियोस ने आपने नहीं देखी है करेंटली, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मैं डेली अपडेट वीडियोस प्रोवाइड कर रही हूँ। मेरे बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म है जिनका नाम और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहाँ भी ज्वाइन जरूर होए ताकि आप लोगों से कोई भी अपडेट मिस ना हो। वीडियो शॉर्ट है, मिड तक एंड तक जरूर देखेगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को ताकि आप लोगों से कोई भी अपडेट मिस ना हो। सो वीडियो पे चलते हैं। सो आज का टॉपिक है ज्ञान सर्कल वेंचर इनॉग्रेटेड बाय यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर। सो ज्ञान सर्कल वेंचर जो है वो इनॉग्रेट किया गया है किनके थ्रू? यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। द यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन रमेश पोखरियाल हैज बीन इनॉग्रेटेड द ज्ञान सर्कल वेंचर ऑन 8 अक्टूबर 2020। सो ज्ञान सर्कल वेंचर जो है वो 8 अक्टूबर 2020 यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन दैट इज रमेश पोखरियाल ने इनॉग्रेट किया। इट इज अ मल्टी फंडेड टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर। सो ये एक मल्टी प्रोग्राम है टीबीआई डेवलप बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIT आंध्र प्रदेश के थ्रू किया गया है। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। ज्ञान सर्कल वेंचर क्या है? ज्ञान सर्कल वेंचर हैज बीन अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो ज्ञान सर्कल वेंचर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू दैट इज MeitY के थ्रू अप्रूव किया गया है। इट फंक्शंस एज अ टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इंक्यूबेशन सेंटर। सो इसका फंक्शन क्या है? टेक्नोलॉजी को इंक्यूबेट किया जा सके, डेवलपमेंट हो सके। मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। These incubator would hold the institution entrepreneurial spirit by utilizing its intellectual capital. It would be encourage the young minds to encourage in using emerging technology including the artificial intelligence, blockchain, cyber physical system, cyber security, internet of things and robotics. So ये जो incubator है कि इस type का institution hold करेगा जिससे कि जो utilization है young youth की वो उसको अच्छे तरीके से लगा सके सही माइंड में, और जो यंग माइंड है उनको इनकरेज करना है ताकि जो ये टेक्नोलॉजीज वगैरह आ रही हैं वो उन्हें अडॉप्ट कर सके और उसमें अपना भी सहयोग दे सके। लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, साइबर फिजिकल सिस्टम हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया एंड रोबोटिक्स हो गया, जो कि आजकल यूथ को काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। कोडिंग प्रोग्राम्स काफ़ी ज़्यादा आजकल यूथ को प्रोवाइड भी किए जा रहे हैं एट वेरी मिनिमम एज। सो इस तरीके से मतलब उनको इनकरेज किया जा रहा है कि वो इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करें और यूथ जो भी कैपिटल है वो भी इंक्रीज हो। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज सिग्निफिकेंस। इस वेंचर का सिग्निफिकेंस क्या है? दिस ज्ञान सर्कल वेंचर हैज बीन पोटेंशियल टू इन्फ्लुएंस या इन्फ्यूज एंटरप्रेन्योरशिप इन यंग माइंड्स। वही है कि यंग माइंड्स को एंटरप्रेन्योरशिप मिल सके, काम मिल सके और ग्रोथ हो सके। इट वुड ऑल्सो इनकरेज देम टू बिकम सक्सेसफुल इनोवेटर्स। तो इनोवेशन के लिए ये किया जा रहा है, उन्हें इनकरेज किया जा रहा है यूथ को कि वो इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करें, इनोवेट करें, क्योंकि कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, कोडिंग सीखते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ इन्वेंट होता है, जो कि आप कहीं भी जाते हैं आजकल सोशल मीडिया पे कहीं भी हुए तो अगर जो भी आप साइट देखते हैं वो सब वेब डिज़ाइनिंग होती है, तो उसके थ्रू आप लोगों को वो चीज़ें सीखनी पड़ती है। तो वही चीज़ जो है वो इस वेंचर का मोटिव है। द ज्ञान सर्कल वेंचर वुड ऑल्सो सर्व एज अ हब फॉर इनोवेशन एंड स्टार्टअप बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेंटरिंग। सो ज्ञान सर्कल वेंचर जो है वो एक हब है जो इनोवेशन और स्टार्टअप के लिए प्रोवाइड किया गया है। अब टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर क्या है? TBI, जो कि मैंने अभी फर्स्ट स्लाइड में बताया था, द TBI विल हैव एन एडवाइजरी कमिटी। जो TBI है इसमें जो कि है टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, वो एक एडवाइजरी कमेटी की तरह काम करेगा इस वेंचर में। इट वुड कंप्राइज ऑफ लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स एंड टेक्निकल एक्सपर्ट। द TBI वुड इनेबल इंक्यूबेटर टू होल्ड एक्सपर्ट मेंटर्स एंड नेटवर्क फ्रॉम एकेडमिया एज वेल एज द इंडस्ट्री। द इंक्यूबेटर वुड सर्व एज अ कैटलिस्ट फॉर एडवांसिंग द सोसाइटी। सो जो इनक्यूबेटर है ये एडवांसमेंट के लिए एक कैटलिस्ट का काम क्या होता है कि कोई भी अगर रिएक्शन होती है उसको अगर टाइम लगता है तो कैटलिस्ट उस रिएक्शन को जल्दी करने में, कंप्लीट करने में हेल्प करता है। तो ये कैटलिस्ट की तरह काम करेगा जिससे कि सोसाइटी जो है एडवांस हो सके, नॉलेजेबल हो सके
और इनकरेज करता है कि इससे कि जो जॉब क्रिएट होगी उससे, तो अगर जॉब क्रिएशन इन फ्यूचर उस चीज की किसी भी फील्ड की होती है तो उस फील्ड के लिए अभी से स्टूडेंट्स को चिल्ड्रंस को प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एज वी ऑल नो आगे आगे जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेंट होती जा रही है, तो उसके लिए कोडिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा जो इंस्टीट्यूट हैं कोई प्लेटफॉर्म है काफ़ी प्रोवाइड कर रहे हैं. सो वो इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो चीज़ स्टूडेंट जो है वो 20 या 22 साल की 18 साल की उम्र में सीखता है वही वो चीज़ अगर 7 से 8 साल की उम्र में सीखना शुरू करे तो उससे उसका ही डेवलपमेंट होता है और इनोवेशन होती है. ओके, सो माइटी स्टार्टअप हब क्या है, इसको हम MSH भी बोल सकते हैं. द MSH वुड बी सेटअप अंडर टाइट 2.0. सो ये सेटअप किसके अंडर है, टाइट 2.0. इट विल इंश्योर लिंकेज इन द टाइट सेंटर, थीम बेस्ड इंक्यूबेशन सेंटर एंड द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी. सो एक लिंकेज की तरह काम करेगा, बस इतना याद रखना है. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लवली वीडियो. वीडियो बहुत मेहनत से बनी है. मुझे प्लीज़ बताया कीजिए आप लोगों को ऐसे शॉर्ट वीडियोज इन्फॉर्मेटिव वीडियोज कैसी लगती है. बाकी की वीडियोज आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द. टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड बी सेफ.